फोटोग्राफर्स लोग फोटो सेशन करते रहते हैं, और अभी तो फिलहाल हम लोग जो आपने देखा हम जो शूट कर रहे हैं वो मेरी फिल्म का पोस्टर हो रहा है। तो मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है, मैंने ये लिखी भी है, एंड इसका नाम है कम बैक टू मी। तो उसका थोड़ा थ्रिलर हॉरर जॉनर में है, इसलिए वो ऐसे 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 वाले लुक्स हो रहे हैं, तो वरना मैं ऐसे नहीं करती शूट। और फिर बाकी के जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो वो नॉर्मल रिलीज़ वगैरह के लिए, क्योंकि स्टोरी में पहले एकदम ऐसे हॉरर नहीं होती ना, पहले तो यू नो जिंदा दिली होती है, तो हंसती रहती है, तो वो भी हम शूट कर रहे हैं। करेक्ट। एक्चुअली इस बार मैं 8 महीने बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना खाया कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया था, और जिम विम सब बंद था, स्क्वाश खेलना वगैरह सब बंद था, तो अब सब 8 महीने से स्टार्ट किया मैंने, और उसके बाद अब पहला वाला ये फोटो सेशन कर रही हूँ, तो दिस इज नाउ आई एम मोर इन शेप। हाँ हाँ, क्या खाना की ये फोटो सेशन? खाना तो देता ही नहीं कोई अब फोटो सेशन। हाँ, इंजॉय तो कर रही हूँ, क्योंकि इतने महीने बाद कर रही हूँ, प्लस ये मेरी खुद की फिल्म का फोटो सेशन है, इसके पहले मैंने औरों के लिए काम किया, अब मैं खुद के लिए काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, कास्टिंग आउट मेरी सेकंड फिल्म है, वो भी मैंने लिखी और डायरेक्ट की है, और मैं उसमें एक्टर एक्ट कर रही हूँ, उसमें आयुब खान है मेरे साथ और अयाज खान है, एंड वो हमारा बैकड्रॉप फिल्म इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली जो सीखा है जो देखा है वो ही करूँगी, तो दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि एक एक्टर की लाइफ कैसी होती है और पूरी एक्टर की लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, चाहे वो मेल एक्टर हो चाहे वो फीमेल एक्टर हो, तो वो आप कास्टिंग आउट में देखेंगे। कृष्णा का योगदान बहुत है, सपोर्टिव है, मुझे कभी रोकता नहीं काम करने से, और कभी आके शूट पे तंग नहीं करता कि ये क्यों पहना, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ये क्यों सीन डाला, ऐसा कभी नहीं करता, सो दैट आई थिंक इज अ वेरी बिग सपोर्ट। मैंने बहुत टोका है ना उसको, हाँ कितना बोलता रहता है मेरे बारे में। यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत टफ है, क्योंकि इसके पहले तो मैं सिर्फ एक्टर थी, और किसी ने कट बोला तो अपने वैनिटी वैन में जाके बैठती थी, अब मुझे करना पड़ता है, कट बोलने के बाद मैं खड़ी रही, मीन्स पहले एक दो दिन ऐसा हुआ कट खड़ी थी, अरे हो आई हैव टू टेल, क्या अच्छा इसके बाद ये शॉट है, तो बहुत बहुत काम करती है, डायरेक्टर्स बहुत काम करते हैं, उनको पता नहीं था, आई नीड टू बी नाइसर टू देम। नहीं नहीं, बहुत काम करना पड़ा, इट वॉज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब, और ईजी नहीं है लोगों को डायरेक्ट करना, प्लस आपको सब डिपार्टमेंट हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज द डायरेक्टर इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप, और मैंने तो सिर्फ घर को हैंडल किया और कृष्णा को हैंडल किया, तो फॉर मी इट वॉज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इट वॉज फन, मज़ा तो आया। यस यस, बट ये शॉर्ट फिल्म 30 मिनट की है, तो इसमें मेरी जान निकल गई, ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू डायरेक्ट अ फीचर फिल्म, और सम टॉक्स आर ऑल्सो ऑन रिगार्डिंग अ फीचर फिल्म विच यू विल गेट टू नो ऑन द 5th of October। हाँ हाँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन आता है, लेकिन हमने सबको इन्विटेशन भेजा, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया, सारे और सारे लेडी डायरेक्टर्स को भी बुलाया, पूजा भट्ट को बुलाया, तनुजा चंद्रा को बुलाया, जॉडी फॉस्टर को मैं बुलाना चाहती थी बट शी इज़ बिजी इन हॉलीवुड, तो बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स को भी बुलाया, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैंस जॉब एंड अ वुमन डूइंग इट इज़ अ इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन, एंड अब मुझे लगता है कि अगर कोई वुमेन डायरेक्ट करते तो ऑब्वियसली उसका एक डायरेक्टोरियल यू नो चाहे डेब्यू हो चाहे फिल्म हो एक अलग पॉइंट से आती है, तो मैंने इंडस्ट्री में सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो नहीं है फ्रेंड्स सबको बुलाया। अगर मीडिया को नहीं मानती तो आप आज इधर होते क्या मेरे साथ, ये मेरा फर्स्ट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं मीडिया को बहुत मानती हूँ, आप ही लोग हमें बनाते हो और आप ही गिराते हो, गिराने के बाद उठाना भी प्लीज़। अच्छा काम किया है कश्मीरा ने, जेन्युइनली मैं तो कभी पूछता भी नहीं था कि आप शूटिंग कर रही है क्या कर रही है, क्योंकि मैं अपना कॉमेडी नाइट में बिजी था, तो मुझे पता था कि ये फिल्म बना रही है, और जैसी ये है बोल्ड और पर्सनैलिटी बहुत अलग है इसकी, अलग ही रहती है, आम लड़कियों की तरह नहीं है, तो फिल्म भी उन्होंने वैसी बनाई है जो आम नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा इनका प्रोमो देख के।
तो आज तो मैं टाइम पास के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना ये फोटो शूट कर रही थी अपनी फिल्म के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ अभी वो कॉमेडी नाइट बचाओ ताज़ा कर दिया हमने उसका नाम, जब पुराने लोग गए भी, अदा निया, अदा करण वाही, अनीता, ये जितने भी लोग थे, श्रुति, शकील जी, वो लोग सब चले गए। अब नई टीम आई है इंटरनेट से, अभी वो सुमित व्यास है उसको लिया है हमने, मनन को लिया है, वो गुजराती एक्टर हैं वो और इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हैं। निया शर्मा है जो जमाई राजा करती है, फिर मोना सिंह है अभी शो पे, बहुत सारे नए लोग ले लिए हैं ताकि अभी फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, तो फ्रेश लोगों के साथ आएंगे तो ही देखेंगे। अभी एक साल से वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं ना। नहीं वो तो अभी हम, मैं क्या बोलूँगा उसमें, वो सब बड़े लोगों का डिसीजन है, पैनल पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन एज एन आर्टिस्ट तो मैं यही बोलूँगा कि एक्टर जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही सोशल वर्क कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो एक्टर्स के साथ आई थिंक थोड़ा सा ठीक ही रहना चाहिए, तो और काम है उनका, तो आई थिंक काम तो करने देना चाहिए, बाकी लोग उन लोगों का डिसीजन। इससे बड़ा क्या प्रोजेक्ट है, अभी कॉमेडी नाइट बचाओ ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालना, फिर उसके अलावा मेरे एक और शो आता है OMG मेरा इंडिया, वो भी मेरा शो अभी TV पर आने वाला है 10 दिन में, तो उसका भी सेकेंड सीजन कर रहा हूँ। थैंक यू। फोटो में भी आ रहा था जूते। I'm playing a painter and it's a very an artist, yeah, an artist who paints, and there's a lot of graph in the character. So he's a small town guy, choti city se aaya hua hai. I won't, don't worry. I'm sorry. So ek project le aaya hai, and it's something big. He wants to make it big in Bombay, so he asks help from a friend. So उसके घर में कैसे घुसता है, उस घर के अंदर की जो पूरी स्टोरी है, दैट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। उसमें कैश आती है, उनका फ्रेंड आता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, देयर इज अ होल ग्राफ टू द कैरेक्टर विच विल बी लवली टू वॉच, बिकॉज ही इज अ वेरी इनोसेंट, छोटे गाँव के कैसे लड़के आते हैं, दे वांट टू परस्यू बिग ड्रीम्स एंड स्टफ, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड देन हाउ हिज लाइफ चेंजेस एंटायरली इन दिस 3-4 days of his session, he's painting and everything. So that is the story all about. So you'll see a lot of twists and turns, a lot of horror, a lot of this. You'll be like at the edge of the seat, and you'll get those goosebumps in every scene of it. So Cash has directed it really well. She was one of the best directors I've worked with till now, and she was fab in the whole set. And she has written the story as well. So उन्होंने जिस तरीके से लिखी है, जैसी मैंने सुनी थी, आई वॉज लाइक येस आई वॉन्ट टू डू इट, सो देर वॉज नो सेकेंड थॉट। सो द मेन थिंग इज द स्टोरी इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड इट। सो हाउ डू यू फील वर्किंग विद द कश्मीरा मैम? इट वॉज ग्रेट, या इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद हर। शी इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड को एक्टर। शी इज देयर इन द मूवी एज वेल, इफ यू हैव सीन द ट्रेलर। तो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, ऐसा लगा नहीं मुझे कि हमारी वर्कशॉप हुई थी 2-3 दिन की पहले मूवी स्टार्ट होने से, तो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, शी मेड मी वेरी कम्फर्टेबल, शी बींग अ वेरी सीनियर एक्टर इन द इंडस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगा नहीं एक मिनट के लिए कि आई एम लाइक न्यू, इज माई सेकेंड थर्ड प्रोजेक्ट, तो शी मेड मी रियली कम्फर्टेबल। बाकी का क्रू भी दे वर वेरी कम्फर्टेबल, सारा पूरा साउथ का क्रू आया हुआ था, एंड श्रीनी सर, आई वर्क विथ हिम इन गेट गॉर्जियस फॉर वी चैनल, तो वी आई मेट हिम आफ्टर लाइक 3-4 years, सो एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ फिर से काम करने का। तो इट ओवरऑल कैश वॉज अ फैबुलस प्रोड्यूसर टू एंड डायरेक्टर टू वर्क विथ। थैंक यू।
है।